G20 के समापन के बाद मीडिया से पीएम मोदी ने की मुलाकात। भारत मंडपम के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में पहुंचकर किया अभिवादन। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में शिल्प बाजार का किया निरीक्षण। शिल्पकारों से की बातचीत। पीएम मोदी का G20 की बैठक में सुझाव। बोले, नवंबर में G20 का वर्चुअल सत्र रखा जाए। 17 सितंबर को पीएम मोदी विश्वकर्मा योजना को वर्चुअली करेंगे लॉन्च। 70 शहरों में मोदी सरकार के 70 मंत्री योजना का करेंगे आगाज। दिल्ली में G20 के मेगा आयोजन से दुनिया में अब भारत का डंका। अब अगले साल ब्राजील में होगा सम्मेलन। G20 समिट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा, दिल्ली घोषणा पत्र, भारत की कूटनीतिक जीत, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर नई पहल। G20 की सफलता पर शाहरुख खान ने दी पीएम मोदी को बधाई। कहा, यह भारतीयों के लिए सम्मान की बात। पेरिस से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी जो करती है उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी पर देश में व्यवस्थित तरीके से ध्रुवीकरण अभियान शुरू करने का लगाया आरोप। कहा, पार्टी ने राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। जयराम रमेश बोले, G20 घोषणा पत्र धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध, जबकि देश में धार्मिक स्थलों पर हमले पर चुप्पी साधी। G20 डिनर में सीएम ममता की शिरकत से अधीर रंजन चौधरी खफा। पूछा, इससे मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर तो नहीं होगा? आरक्षण की मांग कर रहे मराठा संगठन का आज ठाणे बंद का ऐलान। जालना में मराठा आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुलाया बंद। सीएम शिंदे ने मराठा आरक्षण मुद्दे को सुलझाने के लिए आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मुद्दे का समाधान निकालने के लिए विपक्ष को किया आमंत्रित। आज वाराणसी जाएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के करेंगे दर्शन। मां गंगा की आरती में भी हो सकते हैं शामिल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़। पुलिस ने पकड़े लश्कर के 3 मददगार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई के ठाणे में 40वें फ्लोर से 3 मंजिला अंडरग्राउंड बेसमेंट में गिरा लिफ्ट। 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत। रोप वे टूटने से हुआ हादसा। लीबिया में आधी तूफान से कई शहरों में भारी तबाही। सड़कों पर सैलाब से लोग परेशान। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। इंग्लैंड के गेट्स हेड में भारी बारिश के कारण सड़कों पर आया सैलाब। निचले इलाकों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। ग्रीस में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के बाद प्रभावित इलाकों में भेजे गए सशस्त्र बल। बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। मध्य ग्रीस में विनाशकारी बाढ़ से हुआ विनाश। जगोरा में एक दिन में हुई 30 इंच बारिश। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15। स्पेन के दबारे के कोरोला में ओला वृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश से आई बाढ़। सड़कों पर आया सैलाब। बाढ़ के पानी में बही कारें। दक्षिण पूर्व चीन के गुआडोंग में बारिश के कारण आई बाढ़ में फंसे 3 माह के बच्चे का किया गया रेस्क्यू। मासूम के लिए जीवन रक्षक नौका बनी टब। चीन ने ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। विद्युत चुंबकीय वातावरण का पता लगाने में होगा उपयोग। डोनेक्स रीजन में यूक्रेनी सेना ने ढाया जमकर कहर। जायत्सोव गांव के पास यूक्रेनी सेना का रूसी टैंक पर जोरदार प्रहार। धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2122। 2421 लोग हुए घायल। बचाव कर्मियों ने मृतकों की संख्या बढ़ने की जताई आशंका।